अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिले। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रॉफिट रोल्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत तरीक़ों से बनने वाले। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने इस पर टाइप कर दिए हैं और हर चीज़ नोट डाउन कर दी है। कुछ ना समझ में आया तो मुझे बताइएगा। तो ये प्रॉफिट रोल्स बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, बहुत इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना। तो जब इस मेरी वीडियो देखेंगे, बहुत तफसील से देखेगा तो आपको समझ में आएगा। मैं और भी नए वैरायटी से आपको बताऊंगी। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले लेंगे 1 कप मैदा और ये 4 अंडे हैं। वैसे 3 हैं मगर एक एक्स्ट्रा है, मैंने इसमें रिस्क इंग्रेडिएंट्स में लिख दिया है। और मक्खन है 8 खाने का चम्मच यानी 8 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है और 3 एग्स है, हाफ़ टी स्पून 1.5 चम्मच शुगर है। ये मैंने पहले पानी ऐड किया पैन के अंदर। बटर, बटर कोई सा भी, कोई अनसॉल्टेड बटर मस्त नहीं है, उससे भी बेहतरीन बनता है। ये सॉल्ट ऐड किया, शुगर ऐड करेंगे इसके बाद, और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, फिर इसको फ्लेम ऑन कर देंगे। पहले मैंने पानी ऐड किया, बटर, चीनी और सॉल्ट, पानी, मक्खन, सॉल्ट, चीनी, इन चार चीज़ों को मैंने पानी के अंदर पैन के अंदर डाला और इसको अब फ्लेम ऑन कर दिया, इसको मेल्ट होने के लिए रख दिया। जब ये मेल्ट हो जाएगा और इसकी बॉइलिंग पॉइंट आएगी तो हम इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे और चूल्हे से हटा देंगे। अभी ये देखिए मेल्ट हो रहा है, ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया ये। अब इसे हमने फ्लेम ऑफ कर दिया और चूल्हे से हटा दिया। अब ये जो मैदा है 1 कप जो मैदा है इसको मैंने छान लिया था और इसको इसके साथ इसमें ट्रांसफ़र किया। अब इसको खूब मिक्स करेंगे। अगर हाँ, आपको एक और टिप दे दूँ, आप अमूमन ये होता है कि जब आप लोग ये इसका डो बना रहे होते हैं पैन पे तो आपको लगता है कि वो अभी स्टिकी है, यानी लूज़ है अभी, यानी इतना टाइट नहीं हुआ, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप 2 टी स्पून 2 खाने के चम्मच छोटे खाने के चम्मच मैदा ऐड कर सकते हैं और उसको खूब मिक्स कर सकते हैं। इसे अब ये मैंने मिक्स किया, अब फ्लेम ऑन करूंगी, फिर से चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। ये देखिए, इसलिए इतना परेशान नहीं, बहुत इजी बनते हैं। कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आपको मिले। अब ये देखिए अभी स्टिकी है, यानी लूज़ है इसका जो टेक्सचर नज़र आ रहा है, तो इसको ज़रा टाइट डो फॉर्म में आना चाहिए। ये खुद ही पतीली को साइड से छोड़ देता है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैंने आपको कल वनीला पुडिंग की रेसिपी आपको दी थी, वो मैंने इसके अंदर स्टफिंग की है। इसके और भी वैरायटी है, मैं आपको और भी वैरायटी दूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, ये अगर ये स्टिकी होगा, आपको लगता है कि ये अभी पैन में ये डो फॉर्म में नहीं आ रहा, तो 2 छोटे खाने के चम्मच आप मैदा इसमें ऐड कर सकते हैं इसी पोजिशन इस सिचुएशन में, कि आप कोई परेशानी की बात नहीं होगी, ये बेहतरीन बनेंगे, बेहतरीन इसकी जो फॉर्म होती है आप देखिएगा, आगे चल के वीडियो में शो हो जाएगा। अभी मैं इसको खूब स्पून इस मैश कर रही हूँ ताकि कोई लम्ब ना रह जाए। जिस तरह मैं ये लकड़ी का चम्मच जो वुडन स्पून है इसी से करिएगा और किसी से नहीं कीजिएगा, इससे बेहतरीन होता है। ये देखें, अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स कर रही हूँ और हाथ से स्पून को उल्टा मैश कर रही हूँ इसी के। जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में वैसे ही कीजिएगा, इसका तरीका ही यही है, इसका प्रोसेस ही यही है, बेसिक यही है इसका करने का, वरना फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे। ये इसको मैश करके बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं। और जो प्रॉफिट रोल के डो है इसी से आप एक्लेयर्स बना सकते हैं, इसी से आप प्रॉफिट रोल्स बना सकते हैं। एक ही बेसिक है इसकी, एक ही प्रोसेस से ये सब बनता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हर किसी का अपना स्टाइल है और ये आप जो गेस्ट आते हैं, आपकी दावत होती है ईद पे, एक डिफरेंट वैरायटी मैं आपको दूंगी इसकी। ये मैंने अभी आपको इसकी दी है वनीला पुडिंग बना के, जो इसकी दी स्टफिंग थी वो फिलिंग दी थी। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तो मैं ज़रूर दूसरी वैरायटी दूंगी। अब ये मैंने एक बड़े से बाउल में ऐड कर लिया। अब मैंने ये 1 बाई 1 एग इसमें बीट कर रही हूँ अच्छे तरीके से। मैं स्पून से इसलिए नहीं किया, वैसे तो ये वुडन स्पून से ही होता है बहुत, मैं वैसे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उससे आपको बताऊँगी। मेरा बेटा रो रहा था इसलिए मैंने मशीन से कर दिया।
इसको वन बाय वन अच्छी तरह से मैं, अगर आगे फिर मैं ये सेकंड एग इसमें ट्रांसफ़र करूँगी, फिर उसे बीट करूँगी, फिर थर्ड एग, फोर्थ एग जो है यानी चौथा अंडा, वो तब उस पोजीशन में नज़र आएगा आपको कि जब मुझे लगेगा कि इसको डो को ज़रूरत है। अगर आपको लगता है इस डो को ज़रूरत नहीं है, मैं बताती हूँ किस जगह, मैं आपको बताती हूँ अभी। अब ये सेकंड एग जो है यानी दूसरा अंडा मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ और इसको बीट करूँगी अच्छे से। ये सेकंड एग यानी दूसरा अंडा ऐड हो गया है, अब इसे बीट कर रही हूँ मैं अच्छे से। अब ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसे बीट करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आपको जल्द से जल्द सबसे पहले मिले। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिए। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि रेसिपी कैसी है। ये अब इसे मैं साइड साइड से क्लीन भी करती जा रही हूँ ताकि वो थोड़ा डर्टी ना लगे। अब मैं ये थर्ड एग यानी तीसरा अंडा भी ऐड करूँगी इसमें। इसके बाद अभी तीसरा अंडा इसमें ऐड कर रही हूँ मैं, एक एक करके ऐड करना है। ये आपको स्टेप याद होना चाहिए, एक साथ तीनों नहीं होने चाहिए ऐड। अब ये थर्ड एग यानी तीसरा अंडा इसमें ऐड हुआ है, अब इसको बीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। अभी मुझे इसलिए मैंने फोर्थ एग यानी चौथा अंडा उसको मैंने हाफ ऐड किया था, आपको वीडियो में आगे दिख जाएगा कि मुझे लग रहा था अभी इसकी जो डो है थोड़ी हार्ड है, मैंने जो एक स्टिकी होनी चाहिए तो वैसी ही नहीं हुई थी। अब इसको अच्छी तरह से बीट करके अभी देखिए मैं चौथा अंडा यानी फोर्थ एग लास्ट वन एग जो है वाला लास्ट वाला वो ऐड करूँगी, उसको मैं हाफ एग ऐड करूँगी, फिर मिक्स करूँगी, फिर मुझे लगा कि पूरे नीड है वो पूरे इसकी तो मैं पूरा ऐड कर दूँगी बाद में। ये देखिए आपके सामने ये ऐड कर रही हूँ हाफ, अभी आपको दिखा भी दूंगी मैंने कितना रोका है। ये देखिए, ये देखिए अब इसको बीट कर रही हूँ, इसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद किसी भी शॉपर में जो एक नॉर्मल मोटी शॉपिंग शॉपर होती है या पाइपिंग बैग होते हैं प्लास्टिक के, उसमें मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। कोई निडल की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सीज़र से कट कीजिएगा और इसको गोल राउंड से निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सही गोल नहीं बनते तो वो भी मैंने तरीका बताया है, बनते ही बहुत अच्छे हैं, इसमें परेशान होने की बात ये बिल्कुल रेडी है। अब मैंने पूरा जो अंडा था लास्ट वाला जो हाफ बचाया था वो भी ऐड कर दिया, अब लास्ट मैं बीट करूँगी, फिर इसे मैं पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर दूंगी और फिर इसे बेकिंग डिश में निकाल लूंगी। अब इसको बीट करके अच्छी तरह इस तरह की इसकी शक्ल होनी चाहिए, ये इस तरह का बिल्कुल स्टिकी चुपकने वाला एक होना चाहिए, बहुत ना गीला ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ये होनी चाहिए इसकी। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत मैं बहुत बनाती हूँ, मैं क्लियर्स भी बहुत बनाती हूँ, प्रॉफिट रोल्स भी बहुत बनाती हूँ, और आज से नहीं काफ़ी सालों से बना रही हूँ ये। हाँ काफ़ी जब हम मैं पाकिस्तान में होती थी ये बेकरी में मिलते थे, बहुत टेस्टी थे, तब मैंने इसकी खोज लगाई थी कि कैसे बनते हैं, तो ये बहुत ईजी है, इंतहा के ईजी हैं, ये बहुत मज़े के हैं। और ये देखिए पाइपिंग बैग में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। घर में आप बनाएं, मार्केट से अच्छा है कि आप घर में बनाएं, ख़रीद तो सब सकते हैं मगर एक चीज़ एक्सपेंसिव होती है, जो आप घर में उतने ही पैसों में आप घर में बना सकते हैं तो बहुत सारे बन जाते हैं। एक आपको स्टिक कितने की मिलती होगी, अब जो उस वक्त मुझे नहीं मालूम अब क्या रेट चल रहे, मगर ये यहाँ अभी भी एक स्टिक इसकी एक्सपेंसिव होती है, मैं यहाँ की बात बता रही हूँ। अब वही चीज़ मैं घर पर बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें उसी उसमें बहुत सारे बन जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी मैंने इसमें पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र किया,
अब इसको मैं बेकिंग डिश में, कोई भी जैसे अगर आपके पास कोई बेकिंग डिश नहीं है जो ओवन में होती है वो वाली यूज़ कर लें, बटर पेपर लगा के ये वाली, नहीं तो एक जिसमें आप लजानिया बेक करते हैं शीशे की जो होती है बड़ी सी, उसमें भी आप बटर पेपर को ग्रीस करके और उसमें भी आप बेक कर सकते हैं। नहीं है वो वाली भी तो पिज़्ज़ा डिश तो होगी ओवन में, उसमें भी आप बटर पेपर लगा के उसमें भी आप बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। पिज़्ज़ा की डिश जो होती है गोल सर्कल वाली, स्क्वायर वाली, जो भी आपके पास हो, जो ओवन की डिश हो उसमें भी आप ये बना सकते हैं। अब मैं ये पाइपिंग बैग को कट कर रही हूँ। ये देखिए ये सर्कल में होने चाहिए, बस सर्कल में होंगे आपके सही बेक होंगे बिल्कुल। इतना परेशान इसको, ये जो अभी है इसमें मैं एग वाइट को ब्रश करूँगी। ये एग वाइट है, देखिए एग वाइट की ज़रूरत नहीं है तो पूरा ये एग योक के साथ ले सकते हैं, जर्दी के साथ पूरा अंडा। मेरे पास एग वाइट रखा हुआ था एक्स्ट्रा तो मैंने इससे ब्रश कर लिया। आप पूरा एक अंडा छोटा सा ब्रश कर सकते हैं पूरे चारों कोनों की तरफ इसके। फिर मैं इसको फिंगर से भी इसको बिठाऊंगी ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। मैंने आगे में वीडियो में इसको बेक होते हुए भी आपको शो किया है वीडियो में, ताकि आप लोग को दिख जाए कि ये किस तरह बेक हुए। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी एक डिज़र्ट है। आप मैं घर में बनाइए, ईद पे बनाइए, दावत में, गेस्ट आ रहे हैं, बहुत जल्दी बनने वाला। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप पूरी चीज़ें बना लें, इसकी जो बेसिक होती है ज़रूरी नहीं आप वनीला पुडिंग के साथ दें। मैं नेक्स्ट टाइम में वीडियो जब मैं शेयर करूँगी तो मैं उसकी वेराइटी भी लेके आऊँगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। बहुत ईजी, बहुत सिंपल। ये देखिए मैंने एग वॉश को फिंगर से भी प्रेस कर दिया इसको। अब मैं इसे बेक होने के, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं बेक होते हुए, आपको दिख रहे होंगे कितने अच्छे लग रहे हैं। अब ये मैं, अब ये आपके सामने शो हो जाएगी, ये बेक हो चुके, देखें कितने अच्छे, ये खुद ही एक सर्कल से ओपन हो जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप अगर ये इसी तरह इस एक्लेयर्स में भी यही होता है, मैं एक्लेयर्स भी आपको ज़रूर सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं हम सॉस पे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। ये मैंने 150 ग्राम चॉकलेट लिए, कोई भी सेमी स्वीट चॉकलेट नहीं है तो मिल्क चॉकलेट जो मिलती है मार्केट में वो ले सकते हैं। हाफ कप फुल हैवी क्रीम डाली है मैंने इसमें ऐड की, और एक एग योक यानी एक अंडे की जर्दी। अब वो किस कब और किस टाइम जानी ये भी आपको अभी दिख जाएगा। ये अब ये मेल्ट हो रही है, ये देखिए अभी चॉकलेट मेल्ट हो गई। अभी ये पैन पे ही बाउल रखा हुआ है मेरा गरम गरम, इसी में ये एग योग यानी अंडे की जर्दी कुक हो जाएगी, कच्चा नहीं रहेगा कुछ भी। मैं इसीलिए अभी आपको बाउल भी दिखाऊंगी कि इसमें से स्टीम निकल रही है। ये देखिए वीडियो को तफसील से देखें, बहुत बारीकी से मैंने हर चीज़ बताई है। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछिए। एक्लेयर्स की एक ही वैरायटी नहीं होती, प्रॉफिट रोल की भी एक ही वैरायटी नहीं होती, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं और बहुत ही मज़े की हर चीज़ अपने हिसाब से बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए बच्चों की बर्थडे पार्टी में बनाइए आप। ये मैंने अंडे की जर्दी यानी एक वन एग योक मैंने ऐड किया और इसको मिक्स कर रही हूँ, और ये कुक हो रहा है क्योंकि अभी जो चॉकलेट है बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसमें ये अंडे की जर्दी कुक हो जाएगी। 5 से 6 मिनट मैंने इसे मिक्स किया है स्पैचुला से, ये भी आपको सामने मैं दिखाऊंगी। ये थोड़ी सी हाफ कप मैंने रोक रोक के क्रीम ऐड की थी। एक ग्रीस सा अच्छा सा एक शाइन इसमें जो आपको दिख रहा होगा ना, ये इसी की वजह से आ रहा है एग योक के। ये देखिए अमूमन ये मार्केट्स में जो होती हैं चॉकलेट के सॉस में पूरे डिप होते हैं ये। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे है और ये एग योक भी कुक हो चुका है ऑलमोस्ट। अब ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब ये क्रीम मैंने ली है 2 कप के बराबर,
व्हिप्ड है, और इसमें मैंने 4 टेबल स्पून 4 खाने के बड़े चम्मच पाउडर शुगर, पिसी हुई चीनी ऐड की, और जो वनीला पुडिंग मैंने बनाई थी वो मैंने 4 खाने के चम्मच इसमें ऐड करके इसको बीट कर दिए कर लूँगी। क्रीम मैंने 2 कप ठंडी विक्स विस्प ली है, इसमें 4 खाने बड़े चम्मच चीनी, बारीक चीनी पिसी हुई, 4 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड करके विस्क कर लिया। अब ये जो वनीला पुडिंग है इसके 4 खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको 102 बार बीट कर लूँगी, और यही मैं पाइपिंग बैग में फिल करके प्रॉफिट रोल में फिलिंग करूँगी। अगर आपके पास निडल नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, आप वही शॉपर जैसे आपने पाइपिंग बैग बनाया है जिस तरह मैंने बताया है उसी के अंदर से फिलिंग भी हो सकती है। ये देखिए मैं ये पुडिंग को ऐड कर रही हूँ। क्रीम मैंने 2 कप ली है, उसमें पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी 4 खाने के चम्मच 4 टेबल स्पून ऐड करके मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया। व्हिप करने के बाद मैंने पुडिंग जो वनीला पुडिंग बनाई थी 4 खाने का चम्मच वो मैंने ऐड किया। अच्छी तरह से बीट करके फिर मैं इसे पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर प्रॉफिट रोल्स के अंदर फिलिंग करूँगी। प्रॉफिट रोल्स के अंदर जो कट लगाना है वो किसी नाइफ से भी लगा सकते हैं आप, मैं भी आपको सामने शो कर दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द, ये देखिए बटर नाइफ से हल्के हल्के इसको प्रेस करके इसकी को फिलिंग की पार्ट को ओपन कर रही हूँ। ये देखें बहुत मज़े के बने थे, एक दो तो मैं वैसे ही खा गई थी, बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी। ये देखें चॉकलेट सॉस भी ठंडी हो गई है ना, मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, मैं आपको अभी बता देती हूँ। और क्रीम मेरी ठंडी थी, अब ये फिल कर रही हूँ मैं इसकी फिलिंग। देखें बहुत सारे बन जाते हैं, और अगर आपके पास अभी जगह नहीं है तो आप उसको रोक सकते हैं, जब ये एक बेक हो जाए तो सेकंड उसमें आप दूसरी दफ़ा बेक कर सकते हैं, परेशान नहीं हो, कोई आपकी डो ख़राब नहीं होगी, इसके कुछ भी ख़राब ही नहीं होता। ये देखिए बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़े के, मैं आपसे इंशाल्लाह इस चीज़ में दोबारा मैं आपको इस चीज़ की वैरायटी लेके आऊँगी बहुत जल्द। ये देखें लास्ट टाइम मैंने अपने बच्चे की बर्थडे पे ये मैंने बनाए थे, मेरे बहुत मज़े के बने थे। इसको अभी मैं इसको फोक से लेके और ये चॉकलेट सॉस में डिप करूँगी। वैसे इसको सर्व क्या किया जाता है कि इसको बाउल में रख के जितने भी पीसेस आपको रखने हैं और इसमें चॉकलेट सॉस सर्व कर दी जाती है, यानी पोर कर दी जाती है, ये पूरे इसमें डिप हो जाते हैं, वो बेहतरीन मज़े, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसीलिए इसमें स्वीट चॉकलेट जो है सॉस में डलती है। अगर आपकी स्वीट नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, आपको लगता है कि मज़ीद आपको स्वीट चाहिए, मीठा चाहिए तो। अगर आपको स्वीट नहीं चाहिए तो फिलिंग में आप क्रीम में शुगर यानी चीनी को स्किप कर दें, तो यानी वो आपके बैलेंस हो जाएगा, चॉकलेट का ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्रीम का एक अलग टेस्ट आएगा। ये देखें बहुत मज़े के, इसको ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, ये देखें जो आप मार्केट से लेने जाते हैं उसी उतने ही चंद अमाउंट में आप इसे घर में बना सकते हैं। बहुत सारे है, बर्थडे पार्टी में बनाइए, घर में बनाइए, दावत हो तब बनाइए, एक डिफरेंट वेराइटी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ट्राई कीजिए, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत मज़े के बने थे, मैंने इसे कट करके भी दिखाया है आगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिले। मेरी ये प्रॉफिट रूल्स आप ट्राई कीजिए, इसे मुझे फीडबैक दीजिए, इंतहाई मज़े के और बहुत आसान। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।